है, लास्ट क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने, फिल्टर एंड फ्लोट। आज हम लोग क्या देखेंगे, अगली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं और फिर एक लास्ट में असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं, मेन्यू क्रिएशन, सिंगल लेवल मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड पोजीशन, ये चीज़ें देखते हैं। तो अगर हमको मेन्यू बनाना है सिंगल लेवल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक डिव बनाते हैं, एक पेज बना लेते हैं, मेन्यू डॉट एस टी एम एल। बेसिक सिंटैक्स लिखा, यहाँ पे हमने उन्होंने डिव बना लिया, उसको आईडी दे दिया एक मेन्यू, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रन कर लेता हूँ, कहाँ पे है ये रहा, ये हो गया रन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी लिस्ट बना लेते हैं, मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, इसमें यूएल बनाया, इसमें एक एल आई ले लिया, और क्लिक भी करते हैं मेन्यू पे तो एंकर भी ले लिया, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया होम, और इस तरीके से मल्टीपल एल आई बना लिए, इसको मैं नाम दे दिया अबाउट सर्विसेस गैलरी एंड कॉन्टैक्ट, सेव किया, इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको पूरा मेन्यू में कन्वर्ट करना है ताकि एक हेड एक स्ट्रिप बन जाए और उसमें सारे मेन्यू आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी एस एस किस टाइप से लिखते हैं मेन्यू के लिए, सबसे पहले हैश मेन्यू। अब हम इस पहले डिव को अरेंज करेंगे, तो हमने इस डिव की विड्थ है 100% दे दी, इसकी मिनिमम हाइट 50 पिक्सल दे दी, और इसका बैकग्राउंड कलर जो भी आपको रखना है, जैसे मैंने अभी ऑरेंज रख दिया, और सेव करके इसको देखते हैं, ये इसका डिव बन गया, ठीक है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रही है, उसको पहले हम ज़ीरो कर देते हैं, तो इसको ज़ीरो कैसे करते हैं, स्टार मार्जिन ज़ीरो, ठीक है, ये हट गया। इसके बाद हम इस अनऑर्डर लिस्ट में से इस बुलेट्स को हटाएंगे, ये जो बुलेट्स हैं इनको हटाने के लिए क्या लिखते हैं, हैश मेन्यू। ये आ किस लिए रहे, इस यू एल की वजह से, तो हम लिखेंगे कि मेन्यू के अंदर जो यू एल है उसका लिस्ट स्टाइल नन कर देना है, तो नन करने से ये बुलेट्स हट जाएंगे। इसके बाद ये जो सब हैं ये एल आई हैं, इन एल आई को एक के पीछे एक अरेंज करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैश मेन्यू के अंदर यू एल, यू एल के अंदर जो एल आई है उनको सबको फ्लोट कर दोगे लेफ्ट, तो सब एक दूसरे के लेफ्ट में चले जाएंगे ऐसे। अब इनके बीच में हमको चाहिए गैपिंग, तो गैपिंग करने के लिए हमको पैडिंग करनी होगी, तो पैडिंग हमने टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल रखा, ये हर एक एल आई के लेफ्ट और राइट से 20 20 हो जाएगा, हो गया। इसके बाद मुझे इसको वर्टिकल सेंटर में लाना है ऐसा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट आप जितना दोगे उसके 50% पे वो बीच में आ जाता है, जैसे 50 दिया है तो ये 25 पिक्सल पे आ जाएगा हाइट वाइज, करेक्ट है इतना। इसके बाद यहाँ पर जो अंडरलाइन लगी हुई है इनको हटाना है, तो ये किसकी वजह से आ रही है, एंगर की वजह से, जो किसके अंदर बने हुए हैं एल आई के अंदर, जो ए है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिए, तो नन करने से अंडरलाइन हट गई। अब आप उसका मैनुअली कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर दिया, ठीक है, एक मेन्यू जैसा पूरा दिखने लगा। अब मैं इसके ऊपर माउस ले जा रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए हर एक एल आई का, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, माउस कैसे ले जाते हैं, हम इस पूरे पाथ को लेंगे और एल आई कॉलन एच ओवर, इसका मतलब ये कि एल आई के ऊपर माउस को ले जाने पर हमने बोला बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, या कोई भी दे सकते हो, ये देखो ये हो गया हमारा पूरा मेन्यू जैसा काम। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया इजिली,